हेलो 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 सभी साथियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अगर आपको हम अच्छे से दिख रहे हैं तनी स्मार्ट स्मार्ट तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, अगर देखने में परेशानी हो रही है तो दो टाइप कर दीजिए। अगर अच्छे से आपको हम दिख रहे हैं तो एक टाइप कीजिए, दिक्कत हो रही है तो दो टाइप कीजिए। सर ये कोरोना महामारी को लेकर के सारा चीज उथल पुथल था, इसलिए आपका क्लास रुका हुआ था। कुछ क्लासेस आपके बचे हुए हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड, 20 मिनट लेट हो गया और चटपड़ हो ना, घर पे ना है। आइए सर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज लेंस। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय लेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है समतलावतल लेंस, इसको हम समतला अवतल लेंस कहते हैं, एक होता है समतलो उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ये चार प्रकार के लेंस होते हैं, गौर फरमाइएगा तो हम आपको समझा देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये हो गया अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये एक हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस होता है कुछ इस कदर। ये अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस आपका कुछ इस कदर होता है, ऐसा। इसी को अगर आप समतला अवतल कहेंगे, गौर फरमाएंगे, इसी को अगर आप समतला अवतल कहते हैं, समतला अवतल, तो एक साइड समतल होगा और एक साइड अवतल होगा, ऐसा। इसको हम तब कहेंगे समतला अवतल। ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया समतला अवतल लेंस, ठीक है। हाँ, आज से स्टार्ट हुआ है, आज से ही सर क्लास स्टार्ट हुआ है आपका। उसके बाद एक होता है उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस कदर होता है, ऐसा, और एक होता है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। मतलब एक साइड होगा समतल और एक साइड होगा उत्तल। तो यही चार प्रकार के लेंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है समतला अवतल लेंस, एक साइड समतल दूसरे साइड अवतल। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है समतलोत्तल लेंस, मतलब एक साइड समतल और दूसरे साइड उत्तल, ठीक है। प्रैक्टिस का बैच आ चुका है सर ऑलरेडी, समस्या नहीं देख रहे हैं। अरे ऑनलाइन ही अभी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन है कहां बच्चा, तोरे समस्या देख रहे हैं भाई मेरा, सोना मेरा, सुग्गा मेरा, तेरा ही समस्या देखो। अब तो ही कम से कम मत बोलो रजनीश जी, अभी मत बोलिए, हम आप ही का सब, आप ही ऑनलाइन वाले बच्चों की ही समस्या देख रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो बच्चे हैं ही नहीं, सब भगा दिया तुम लोग। एग्जाम कब होगा, अभी एग्जाम का कोई माई बाप नहीं है, एग्जाम पे अब कोरोना का ग्रहण लग चुका है। हाँ, ऑफलाइन बैच क्लोज क्लोज क्लोज, अब तो ये इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता है, ठीक ना। आ जाइए इधर, केमिस्ट्री की क्लास जो बची हुई है सर, प्रिडिक्टेबल हम अभी पढ़ा रहे हैं, और एएलपी की क्लास मंडे से चलेगी, जिन लोगों ने एएलपी का बैच खरीद रखा है। और जो केमिस्ट्री की क्लास थी वो प्रिडिक्टेबल था, प्रिडिक्टेबल अभी यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप कर सकते हैं, कहिएगा तो हम यहां भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रिडिक्टेबल अभी तीन क्लास हम लिए हैं, चार क्लास जो कि लाइव 7:30 बजे वाली में, आप कहिएगा तो हम यहां भी पढ़ा देंगे, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी तो सर इसको पढ़िए। बायोलॉजी का क्लास छोटा, बायोलॉजी खत्म हो चुका है, बायोलॉजी इज नाउ फिनिश्ड। 99 वाले जो क्लास है वो शुक्रवार से चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, जिनका पेमेंट हो गया और क्लास नहीं दिख रहा है वो भी हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, आप कॉलिंग टीम को कॉल कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है समतला, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है समतला, लास्ट का 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। एक अवतल लेंस, एक समतला अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस, एक समतलो उत्तल लेंस।
तो सर ये उत्तल है, इसका एक साइड समतल और एक साइड उत्तल है, तो इसलिए समतलो उत्तल लेंस। ये चार प्रकार के लेंस होते हैं। अगर आप फोकस दूरी की बात करोगे और सेंटर की बात करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यहां ये है कि अगर मान लो ये अवतल लेंस है, अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस कुछ इस कदर होता है। देखो अगर दर्पण था तो एक फोकस और एक सेंटर था, ये जो दर्पण था तो इसका एक फोकस था और एक सेंटर था, क्योंकि एक ही कर्व था इसमें। ये जो एक ही, ध्यान दीजिएगा, एक कर्व होगा, लास्ट में बात कर लेंगे, पांच मिनट अभी पढ़ो ना चला, एक ही कर्व था तो इसका एक फोकस और एक सेंटर था, ठीक है। इसमें दो कर्व हैं, इसका दो फोकस और दो सेंटर है। देखो इधर वाले फोकस को हम F1 कहते हैं, इधर वाले फोकस को हम F2 कहते हैं, इधर वाले को हम 2F1 कहते हैं, इधर वाले को हम 2F2 कहते हैं, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इधर इधर भी हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। जैसे आप सेंटर बोलते हैं ना, यहां यहां बोलते हैं हम सेंटर, सेंटर नहीं बोल के यहां हम लोग बोलते हैं 2F1, और इस साइड के सेंटर को बोलते हैं सर 2F2। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से पहले पढ़ लेंगे, बाद में हम लोग ये सब देख लेंगे। देखिएगा इस साइड वाला जो कर्व होगा इसका सेंटर हो गया 2F1, अब फोकस हो गया F1, और इस साइड वाला जो कर्व होगा उसका सेंटर हो गया 2F2 और फोकस होगा F2। सबको गुड मॉर्निंग है। यानी अगर हम लेंस की बात करें मेरे दोस्त, तो लेंस में दो फोकस और दो सेंटर होते हैं। जैसे अगर उत्तले लेंस की बात करते हैं, अरे बॉयफ्रेंड बदलने का नन्ना है, नंबर बदल लीजिए, ये हो गया ओरिजिन। अब इस कर्व का सेंटर इस साइड होगा, ये जो कर्व है मेरे दोस्त, ये जो कर्व है मेरे दोस्त, ये जो कर्व है, इस कर्व का सेंटर इस साइड होगा, जिसको हम लोग 2F1 से डिनोट करते हैं, और इस कर्व का सेंटर इस साइड होगा, जिसको हम लोग 2F2 से डिनोट करते हैं। यहां का फोकस F1, यहां का फोकस F2, इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। हाँ के तोड़ दिया, मेरा था कि आपका था, गाड़ी कोई बात। ध्यान दीजिएगा सर, ये नगर निगम वाला गाड़ी का साइलेंसर तोड़ दिया, अपना गाड़ी का तोड़ दिया, आउल गई आंटी डॉक्टर के पास, क्या चीज से, अपना वाले से, ठीक। देखिए सर, अगर हम इधर का ये माइनस इनफाइनाइट है, इधर का प्लस इनफाइनाइट होगा, एकदम ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हम समझा देंगे। ये 2F1 है और ये F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। आप गौर से देखिएगा सर, अगर यही दर्पण रहता तो एक फोकस एक सेंटर होता, लेकिन अगर लेंस है तो दो फोकस दो सेंटर होता, लेकिन इस एक्स का जो मेन फोकस है, इसका जो मेन फोकस है वो ये वाला माना जाता है, ये वाला, क्योंकि इसमें जो किरण जाती है वो किरण यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो चूंकि ये ओरिजिन है और ओरिजिन में आप जानते हैं एक्स एक्सिस के इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, ध्यान से अभी 2% समझो, हम फिर समझा देंगे, पांच बार समझा देंगे। इधर अगर है तो निगेटिव होगा, इधर है तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इस लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो एफ बताओ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो कहेंगे निगेटिव होगा क्योंकि इस साइड है। यही अगर उत्तल लेंस की बात करोगे, उत्तल लेंस में सारी किरणें जो यहां से जाती हैं वो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, इसलिए इस साइड होगा फोकस और इस साइड होगा फोकस, तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस निगेटिव होता है। होली के बाद आज पहला क्लास है मेरे दोस्त,
ध्यान देना फिर से, यह अवतल लेंस, अवतल लेंस में इस साइड फोकस होता है इसलिए निगेटिव होता है, यह है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में इस साइड फोकस होता है इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, लास्ट का पांच मिनट हम लोग गपिया लेंगे बढ़िया से। अब देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता समझ लो तेरे बुरे दिन आ गए हैं, बहुत जल्द तुरा 8000 में नौकरी रहना पड़ेगा, लास्ट टाइम में चला अगर गड़बड़ा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो है कि जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं ना सर, वो मंजिल से थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो थक जाते हैं, जो चढ़वे नहीं क्या वो थकेगा कहां, तू थक गया इसका मतलब तू पहाड़ पे चढ़ गया, अब थोड़ा सा और एनर्जी लगा देना, अन्यथा कहीं पर प्राइवेट जॉब करता हुआ 8000 के महीने में कुत्ता टाइप, मालिक तेरी उतनी लेगा जितना तू सह नहीं पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हूं, ALP का बैच समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं, इलेक्ट्रिकल लेना है, इसलिए एकदम थकना नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये माइनस इनफाइनाइट है और इधर वाला प्लस इनफाइनाइट है, इसका फोकस ये होता तो इस साइड होगा तो पॉजिटिव है, इस साइड होगा अवतल का तो निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं हम लोग यहां ना, 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 देखो इसका फोकस इस साइड है तो ये निगेटिव है ये, और इसका फोकस इस साइड है तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया समतला अवतल लेंस, ये समतलो उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस। अब आ जाइए सर इधर, लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो ये क्या है, एकदम आराम से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता देंगे सर। कहते हैं 1/F, ध्यान दीजिएगा, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, जहां F फोकस दूरी है, जो है वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, R1 R2 त्रिज्या है और म्यू लेंस का अपवर्तनांक है। मम्मी पापा को याद करो मेरे दोस्त, पढ़ने में एकदम मन लगेगा। अब देखो तो हमने कहा फॉर्मूला है 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ये बहुत टफ कर देगा क्वेश्चन तब यहां से पूछेगा। यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो सर त्रिज्या है मतलब R1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो 20 सेंटीमीटर है, कहता है अपवर्तनांक 4/3 है, अपवर्तनांक बोले तो म्यू, म्यू बोले तो 4/3 है, तो फोकस दूरी क्या होगी, F इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, F इज इक्वल टू व्हाट, हम सर लास्ट का पांच मिनट में सब क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी सर पढ़ाई करो। R1 R2 म्यू F, F मांग रहा है तो हमको सर फॉर्मूला पता है, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 बोले तो 4/3 माइनस 1, 1/R1 यानी 1/10 माइनस 1/R2 यानी 1/20। साइंस आज से सर पटना में मिलना शुरू हो जाए यार, पढ़ाई करो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, F इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, फॉर्मूला होता है लेंस की फोकस दूरी का 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। यदि किसी उत्तल लेंस की त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 20 सेंटीमीटर हैं और अपवर्तनांक 4/3 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, तुमको त्रिज्या R1 R2 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो F मांग रहा है, सबका वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। अब देखो आ जाओ इधर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, सर ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति क्या है। ये अगर मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, किसी और का तुझे चाहता कोई और है, ये उत्तल लेंस है, तू पसंद
गिदियोर की। 60 आ रहा है, वेरी गुड। देखो सब बच्चा कितना सीरियस है, वेरी गुड। 60 आ रहा है आंसर। एक दूगो को 6 आ रहा है छोटा सबको। तो यहां आ जाएंगे सर, तो ये हो गया फोकस F1, ये हो गया फोकस F2, F2 ये सेंटर हो गया, ये इनफिनाइट हो गया। इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा F2, ये 2F1 है। तो पसंद है, और इधर चलेंगे तो ये 2F2 हो जाएगा, और ये इनफिनाइट है, वो भी प्लस, ये फिक्स है। अब इधर आ जाओ, अगर यहां पर हम ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है, अगर हम प्रतिबिंब को, अभी पहले पढ़ लो आप, फिर तो हर सब सवाल के हम जवाब दे देंगे। यहां अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब दूसरी ओर यहां बनेगा। अगर हम अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। देखो, एक कदम अब वस्तु खिसकेगा, एक कदम अब प्रतिबिंब खिसकेगा, एक कदम अब वस्तु खिसकेगा, एक कदम अब प्रतिबिंब खिसकेगा, ठीक है। ये एक बिंदु है, 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 ये एक बिंदु है। देखो छह को बिंदु है, एक दो तीन चार पांच छह। या तो अनंत पर रहेगा वस्तु, या अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, या 2F2 पर रहेगा, या 2F1 और F1 के बीच रहेगा, या F1 पर रहेगा, या F1 और O के बीच रहेगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब अनंत पर रहा तो वस्तु फोकस पर बनेगा, ठीक है। हम पांच बार बता देंगे, समझने की कोशिश कीजिए। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। एक कदम आप वस्तु को खिसकाइए, एक कदम प्रतिबिंब खिसकेगा, फिर एक कदम वस्तु, एक कदम प्रतिबिंब, एक कदम वस्तु, एक कदम प्रतिबिंब। यह भी पोजिशन या तो फोकस पर होगा, या F2 और 2F2 के बीच होगा, या 2F2 पर होगा, या 2F2 और इनफाइनाइट पर होगा, या के बीच होगा, या इनफाइनाइट पर होगा। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, अनंत और 2F1 के बीच रहेगा तो इस साइड F2 और 2F2 के बीच। यहां पर अगर 2F1 पर रहेगा तो 2F2 पर बनेगा, 2F1 और F1 के बीच रहेगा तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, और अगर F1 पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। बस एक कदम खिसक जाना। और अगर अब F1 और O के बीच रहेगा तो भैया उधर तो जगह है नहीं, दर्पण के पीछे इसी लेंस के तरफ ही इसी ओर बन जाएगा। ये हो जाएगा छोटा, फिर हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। ये होगा बराबर, पढ़ना इतना आसान है चिल्ला, सब कौवा कुत्ता पढ़ लेता जितना रोड पर है। ये हो जाएगा बड़ा, और इस साइड वाला होता है वास्तविक। छह गो फिगर के पढ़ने के बजाय एक गो फिगर में तोर काम हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड वाला जो होगा ये होगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ध्यान दीजिएगा, मुझे नया नंबर भी लगा के देख लेगा, नहीं ये हो गया पहला वस्तु का पोजीशन, ये हो गया पहला प्रतिबिंब का पोजीशन, ये हो गया दूसरा वस्तु का पोजीशन, ये हो गया दूसरा प्रतिबिंब का पोजीशन। चला, पहले के जमाने में ना लोग वो पढ़ने के लिए ना धियापुता को जंगल में भेज देता था, ताकि सांसारिक सुख से दूर रहेगा तो पढ़ पाएगा। और तुम लोग छोटा सांसारिक सुखों में भोजपुरी गाना में एकदम उलझ गया, सर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। विवास जी एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग जवानी में हम लोग को कौन कोरोना क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पढ़ाई का लय ही टूट गया तो अब कुदाली का लय चालू करो ना, अब कुदाली चलाओ मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है, लय टूटता है रे।
एकदम गड़बड़ हो जाएगा, तू समझ नहीं रहा है बात को, एकदम पढ़ाई करो, दूसर कोई उपाय नहीं। कोविड पॉजिटिव में फिर भी पढ़ रहे हैं सर, तो एकदम पढ़ाई कीजिए। देखिए, अगर ये अनंत पर रहेगा तो दूसरी ओर फोकस पर बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच रहेगा तो देखो यहां F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ये दूसरा पोजिशन है, ये तीसरा पोजिशन है, ये तीसरा पोजिशन है, ये चौथा पोजिशन है, ये चौथा पोजिशन है, ये पांचवा पोजिशन है, ये पांचवा पोजिशन है, और ये छठा पोजिशन है, और ये छठा पोजिशन है, ये छह पोजिशन है। ठीक है, जब अनंत पर रहेगा तो दूसरी ओर फोकस पर बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच रहेगा तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, एक एक कदम खिसकाना। अब तुम कहोगे इसको सर हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसका भी सिंपल सा तरीका है, नंबर बदल लीजिए। देखो इस साइड हो जाएगा F2, ये 2F2 इनफाइनाइट, इस साइड हो जाएगा F1, 2F1 इनफाइनाइट। देखो एक नंबर दू नंबर दू नंबर, इसको प्रैक्टिस कर लो, तीन नंबर चार नंबर चार नंबर चार नंबर चार नंबर पांच नंबर पांच नंबर छ नंबर छ नंबर, ये छोटा बराबर बड़ा असब वास्तविक उल्टा, इस साइड वाला काल्पनिक सीधा अब बड़ा, बस हो गया खत्म है कहानी। इतना अगर आप कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और अगर अब ये तो हो गया उत्तल लेंस, अवतल में जाइएगा मेरे दोस्त, अवतल में किसी भी स्थान पर वस्तु रखिएगा, अवतल लेंस में किसी भी स्थान पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, किसी भी स्थान पर रखिएगा अवतल में। तो अवतल में तो कोई झोले नहीं है, अवतल में चला कोई झोले नहीं है, उत्तल में खाली ये छह कंडीशन है जो तुमको पढ़ना है। अब अगर तुम इसको देखोगे यहां तो देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, ये पहला पोजीशन है, तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये एक कदम ये खिसकेगा, ये अनंत है और यहां ये खिसक गया है, यहां 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 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये F1 सही है, एक दो तीन चार पांच छ रुक जा, ये हो जाएगा 2F1, फिर ये हो जाएगा F1, ये थोड़ा सा खिसक गया है। अब देखो इस साइड भी जाओगे तो ये जैसे है वैसे है, एकदम सही है, ये छ कंडीशन वस्तु का है, ये छ पांच कंडीशन इधर है, एक कंडीशन इधर, ये छ कंडीशन हो गया। इस साइड काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है प्रतिबिंब, इस साइड आओगे ये दोनों छोटा, ये बराबर ये बड़ा, और ये वास्तविक और उल्टा। बस इसी को सर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चलाइए अंतिम समय में जो है ना झोल मत करो। अवतल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अब इसका न्यूमेरिकल भी तुमको मिल जाएगा, चिन्ह परिपाटी देखो क्या क्या है, यू हो गया वस्तु दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी। अब ध्यान से देखना, हमारे बिहार पॉलिटेक्निक टोलटेक्निक सब निकल जाएगा, साइंस यही ना है, दूसर थोड़े पढ़ना है, पहले पढ़ो तो रे चला। ऑफलाइन क्लास कहां खुलेगा, हम नीतीश कुमार हो गए हैं, खुलने देता तो हम खुलने देते हैं। एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, होगा सर, पेमेंट नहीं होता है, क्या करें सर, उसके लिए आप कॉलिंग टीम को कॉल कर लीजिए, लेकिन अभी पढ़ाने दीजिए हमको, पगला दीजिएगा आप लोग हमको। देखिए U तो हम बोले थे दर्पण हो कि लेंस हो, U हमेशा निगेटिव होगा, U के लिए कुछ नहीं सोचना है, U हमेशा निगेटिव होगा, U के लिए कुछ नहीं सोचना है, U हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अब बचा इसका फोकस दूरी, इस साइड होता है इसका फोकस दूरी, इस साइड होता है तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा, इसका फोकस इस साइड होता है तो इसका फोकस निगेटिव होगा, इसका फोकस जो होगा वो निगेटिव होगा। अब इसमें प्रतिबिंब वास्तविक इस साइड बनता है तो वास्तविक के लिए प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा, इस साइड काल्पनिक बनता है तो निगेटिव होगा, इसमें तो खाली काल्पनिक बनता है मतलब इसी साइड बनेगा, इस साइड बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो कहते हैं अगर मेरा देखो चार्जर लाया है क्या, अगर किसी उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, यानी यू का मान दे दिया है -10 सेंटीमीटर, अब जल्दी जल्दी तुम ही लोग सॉल्व करेगा, और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है तो 20 सेंटीमीटर हो गया प्लस में, तो प्रतिबिंब दूरी भी इज इक्वल टू व्हाट, अब जल्दी जल्दी निकाल के आंसर बताओ, तो बड़ी कोकियाता है तुम लोग, 1/v - 1/u = 1/f फॉर्मूला होता है, अब भिन्न का जोड़ है, जल्दी से निकाल के आंसर बता, जल्दी जल्दी आंसर बता, जल्दी जल्दी बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी जल्दी बता मेरे दोस्त क्या होगा आंसर, गुजरात से प्रणाम मोहम्मद अंसार अहमद राइन जी, नमस्कार, बिहार अभी नहीं आना है सर, जब तक खुलेगा नहीं, हम खुलेगा तो बता देंगे, किसी का -20 आ रहा है, किसी का +20 आ रहा है, जल्दी जल्दी बता क्या होगा आंसर, बिहार अभी बंद है ऑफलाइन क्लासेस, हम लोग को तो चला मारने आता है, ऑफिसों नहीं खोलने देता है, पुलिस वाला कभी आके ककरो फाइन काट देता है, आंसर बता -20 की +20, -20 + 20 में झोल है, जल्दी बता -20 की +20, वेरी गुड, देखो 1/v का मान निकालना है हमको, तो e1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f + 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का मान दे दिया है +20, अब +1/-10, देखो तुम ही लोग के विश्वास पे लिख देते हैं सबका, चूंकि माइनस आ रहा है, उत्तल लेंस है ना, जल्दी बता प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, -की +, दिल्ली से प्रणाम जी सर नमस्कार, अब -+ दोनों ला दिया है तुम लोग, तब तो हमारा बनाना पड़ेगा, ये 20 आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1, अब -2 इज इक्वल टू -1/20, यानी भी इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इज द आंसर, +20 जिनका आया है भिन्न का जोड़ कृपया ठीक करें, आ जाइए सर नेक्स्ट में, लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता की अगर बात करें मेरे दोस्त, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस कहते हैं इसको, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस, हाँ निगेटिव होगा, वेरी गुड, ये होता है सर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ध्यान देना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिनका मैथ है सर मैथ होगा आज, अगर ये मीटर में हो तो 1/f, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो p = 100/f, p = 1/f जब मीटर में हो, p = 100/f जब सेंटीमीटर में हो, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, और ध्यान दीजिएगा सर कि अगर ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, इसकी फोकस पॉजिटिव होती है, अरे लगाया, और ये अवतल है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, सब कौवा कुत्ता नहीं पढ़ सकता ही, तुम जान लो, पढ़ने के लिए कैलिबर होता है, ये निगेटिव होगा, इसकी फोकस दूरी चूंकि इस साइड होती है निगेटिव है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है तो पॉजिटिव, तो जेकर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पावर करोगे तो ये भी ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों,
इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि ध्यान देना, इसका मतलब यह हुआ कि जिसका फोकस पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकस निगेटिव उसका पावर भी निगेटिव। वेरी गुड। तो अगर उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव है तो इसका पावर भी पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस निगेटिव है तो इसका पावर भी निगेटिव। अब कहने का मतलब यह है कि अगर तुमको कोई कहता है और मेरे आंख का पावर तो पॉजिटिव है तो समझ लेना कि बाप रे बाप तोरा में तो उत्तल लेंस लगल है। अगर कोई कह देता है कि और मेरे आंख का पावर तो निगेटिव है तो इसका मतलब समझ लेना कि अवतल लेंस लगा हुआ है। ठीक है। अगर किसी के आंख का पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस लगा हुआ है, निगेटिव है तो अवतल लेंस लगा हुआ। कहता मेरे आंख का पावर तो प्लस में है माइनस में है। इससे क्वेश्चन खूब रहता है, तूने तो तौर पड़ोसिया के सेट में ही क्वेश्चन रहवे करेगा। मेरी जान अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अगर ये मीटर में दिया हुआ रहेगा तो 1/f, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। ये फॉर्मूला है, इस पर हम लोग सवाल करेंगे। थोड़ा सा और अगर हम बढ़े, ये तो किसी एक लेंस का होगा, अगर दो लेंस का दे दे, मान लो एक ये लेंस हो गया और एक ये लेंस हो गया, इसका फोकस दूरी F1, इसका पावर P1, इसका फोकस दूरी F2, इसका पावर P2 हो, और दोनों के बीच की दूरी D हो, तो सर तब जब इसका पावर समतुल्य पावर निकालेंगे हम, सर लास्ट में सबके बातों का जवाब दे देंगे, जब इसका समतुल्य पावर दोनों का मिला के निकालेंगे तो दोनों के बीच की दूरी अगर d हो, p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 हो जाता है, जहां d क्या है, दोनों लेंस के बीच की दूरी है। छोटका में बड़का, बड़का में छोटका, d दोनों लेंस के बीच की दूरी है। अगर दूरी जीरो दे देगा तो इस टर्म जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कि दोनों लेंस के बीच की दूरी जीरो हो जाए, यानी डी का मान जीरो हो जाए, तो पी समतुल्य हो जाएगा पी वन प्लस पी टू, पी समतुल्य बराबर हो जाएगा पी वन प्लस पी टू। इसी को पी बराबर वन बाय एफ अगर हम लिखते हैं तो पी बराबर वन बाय एफ समतुल्य, ये हो जाएगा वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, आप बढ़िया से देखेंगे, अगर लेंस की क्षमता की बात करें तो पी बराबर वन बाय एफ होता है जब मीटर में होगा, 100 बाय एफ होगा जब सेंटीमीटर में होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव इसलिए पावर भी पॉजिटिव, अवतल का फोकस दूरी निगेटिव निगेटिव इसलिए पावर भी निगेटिव। अगर कोई दो लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर हो, इनकी फोकस दूरी एफ वन एफ टू और पावर पी वन पी टू हो, तो समतुल्य पावर जो होता है वो पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू हो जाता है। डी का मान जीरो हो अगर दोनों लेंस के बीच सटे हुए हों, या क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो डी का मान जीरो ले लेना है, पी वन प्लस पी टू हो जाएगा। आप पी बराबर फिर वन बाय एफ कर देंगे, फिर यहां वन बाय एफ वन वन बाय एफ टू कर देंगे। अब देखो कहते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात 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 लेंस की क्षमता बराबर वन बाय फोकस दूरी, पी बराबर वन बाय एफ लेकिन मीटर की स्थिति में, हंड्रेड बाय एफ सेंटीमीटर की स्थिति में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, एफ का मान अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो पी बराबर होता है 1 बाय एफ, 1 बाय एफ सेंटीमीटर में है तो 100 बाय एफ हो जाएगा। हम बोले थे अगर सेंटीमीटर में रहे और अगर मीटर में रहे तो पी बराबर हो जाएगा 1 बाय एफ हो जाएगा सर मीटर में। रोहित मिश्रा जी एकदम टेंशन नहीं लेना है। चचा नमस्ते, अरे आ जाइया तोहर, हम चचा हो गलियो रे, छोटका भाई है हम तोहर, छोटा कहेंगे चचा बना दिया, जो हो बिया होने वाला होगा वो नहीं होगा। पी बराबर 100 बाय एफ जब सेंटीमीटर में हो, अब पी बराबर 1 बाय एफ जब मीटर में हो, तो ये तो सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर दे दिया है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, तो पी बराबर कर देंगे 100 बाय एफ, और तब यहां से पी निकाल लेंगे, पी बराबर 100 बाय एफ का मान 10 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 10 डे आफ्टर आंसर।
अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव रहता तो निगेटिव हो जाता। 60 कैसे आ गया रेम? 10 डे आफ्टर इज द आंसर। अगला देखो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डे आफ्टर होता है। अभी तुरंत हम बताएं तुमको, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी तुरंत देखो यहां बताएं हम तुमको, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मेरे दोस्त मेरे मित्र, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए पावर भी धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए पावर भी ऋणात्मक। ये कहते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अगर दो लेंस जिनके क्षमताएं P1 और P2 हो और एक दूसरे से d दूरी पर हो, स्थित हो, तो दोनों लेंस का समतुल्य क्षमता जो होगा, अगर ये दो लेंस है P1 और P2 क्षमता है और बीच की दूरी d है, उसका समतुल्य क्षमता जो हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो तो d का मान 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा p बराबर P1 प्लस P2, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो। का हाल बा, बोरा में घुस के मुंह बाहर निकाल के प्रणाम, यही सब करो। मतलब आप गुजरात से, आप मोहम्मद राइन जी, आप हमको दादा कहिएगा सर। टेंशन में लग रहा है कि फांसी, बैर पगला छोटा, फांसी लगा, मर जो मरियो जो ना, जे मरद लड़ नहीं सकता स्थिति से, उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इरादे अगर दमदार ना हो तो मंजिल से पहले मर जाओगे, ये बात भी फिक्स है। इरादों में दम डालो मेरे दोस्त, मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। क्लास का टाइम चेंज हो गया, 9 से 10 चलता था, 9 से 10 चल रहा है, इसीलिए हम टाइम चेंज नहीं किया। 10 से 11 में तुम्हारा मैथ हो जाएगा। इसका आंसर बता जल्दी से, जल्दी बता। बाई बाई करते रहता है कुछ कुछ छुट्टा सब। पानी पानी पानी, जल्दी बताए इसका आंसर। अगर किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, पावर दे दिया तुमको -2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी, सब देखो मीटर में है, तो मीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, सेंटीमीटर वाला 100/f नहीं लगा के 1/f लगाओ। तुम्हारे पास दो को फॉर्मूला है, एगो p बराबर 1/f लगाने का जब मीटर में होगा, एगो फॉर्मूला है p बराबर 100/f लगाने का जब सेंटीमीटर में होगा। आप p बराबर 1/f लगाओगे तो p बराबर 1/f, ये चूंकि मीटर में है सारा ऑप्शन, तो 1/f लगाओ। p बराबर 1/f लगाओगे, हमको f निकालना है, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, तो 1/ हो जाएगा p, p का मान दिया हुआ है, f मांग रहा है, कहता यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, p दिया हुआ है, f मांग रहा है, तो f बराबर ये -2 यहां पुट कर दो, -2 यहां पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ये हो जाएगा -0.5 मीटर इज द आंसर। माइनस से होगा, प्लस वाला ने मार देना, ई ने मार देना, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जब पावर माइनस है तो फोकस भी माइनस है, जब फोकस माइनस है तो पावर भी माइनस। माइनस होगा कि प्लस होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बता, हम मतलब 10 से 11 मैथ है तो 10 20 10 25 तक स्टार्ट होगा। सर तनी लेट से आते हैं। जल्दी बता आंसर। हाँ ये तुम लोग हमको अंकल बोलो ना, ये को शराब दे देंगे जो हो, ग्रुप डी होने का रहेगा, लास्ट टाइम में फिर कर्ण जैसा फंस जाएगा, पहिया हमारा नहीं कहना, क्योंकि हमारा कोई चच्चा कहता तो हमको बहुत खराब लगता है। सर कोर्स कब खत्म होगा? ये को चैप्टर बचा है इलेक्ट्रिशियन, एक दो क्लास मॉडर्न और मैग्नेट, कल भी क्लास होगा, कल क्लास एकदम आपका होगा। सर बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, निगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला? वेरी गुड, निगेटिव हो जाएगा, बी नंबर इज द आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। हमने आपको जो पढ़ाया एकदम प्यार और मोहब्बत से देखिएगा मेरे दोस्त, हमने आपको आज लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ाया, ये अवतल लेंस है, ये समतलावतल है,
एक साइड समतल दूसरे साइड अवतल, ये उत्तल लेंस है, ये समतलोत्तल लेंस है, एक साइड समतल दूसरे साइड उत्तल। उसके बाद हमने फोकस दूरी के बारे में बात किया। फोकस दूरी के बारे में हमने क्या बात किया, हमने कहा कि भैया इसका फोकस इस साइड होता है अवतल लेंस का तो ये नेगेटिव होगा, इसका फोकस इस साइड होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसके हमने 6 कंडीशन उत्तल लेंस के डिस्कस किए, 6 कंडीशन हमने उत्तल लेंस के ये डिस्कस किए हैं, दिस वन। और अवतल लेंस में हमने कहा कि कहीं पर भी वस्तु रखोगे तो काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसका एक फॉर्मूला था 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। अब P बराबर 1/f होता है मीटर में, 100/f होता है सेंटीमीटर में। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस का फोकस भी पॉजिटिव, पावर भी, फोकस भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। इसका एक फॉर्मूला होता है जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हो तो P1 P2 - dP1 P2। d का मान अगर 0 होगा तो P1 + P2 हो जाएगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने सर पढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसके बाद हम लोग सर अगली क्लास में पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का जितना भी सर अपवर्तन परावर्तन वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। परावर्तन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तन यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जिनका जो सर सवाल है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, हम सर बता देते हैं। जल्दी जल्दी सर पूछ लीजिए, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। तुम्हारे पास चला अब कोई विकल्प नहीं है, गांव में खेती होती हो नहीं रहा और गेहूं या चावल का रेट है नहीं, अब दुकान तो कर नहीं सकता। रीजनिंग का फाउंडेशन बहुत जल्दी आएगा सर, बायोलॉजी का ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी ऑलरेडी समाप्त हो चुका है सारा चैप्टर। शादी कर ले हम, कर लो, मरो शादी करके। 4100+ क्वेश्चन का क्लास शुक्रवार से है, एडमिशन अभी चालू है। और बोलो, 4100+ का बुक अभी तक नहीं आया है, देखते हैं हम उस पर आज काम करेंगे। तो अगर आ पाएगा तो एक हम PDF निकालने में चूंकि बच्चों को दिक्कत होती है तो क्या हो पाएगा ये हम आज देख लेते हैं। ये क्या एक बड़ा सा कमेंट सारा दिखाओ थोड़ा होल्ड करके। अब सारे लोग अपना अपना कमेंट्स करके पूछ लीजिए सर। वो वही वही सर, मैं डिप्लोमा का क्या लिखता है। अब देखो इतना फास्ट कमेंट सारा पढ़ा ही नहीं जाएगा। चलो रहने दो, छोड़ दो सर। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ग्रुप डी कब होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। अब इतना ना फास्ट कमेंट्स आएगा तो पढ़े हुए नहीं करेगा। बुक आज से पटना में मिलने लगेगा सर, बुक आज से, साइंस का प्रैक्टिस सेट आज से पटना में मिलने लगेगा। साइंस की बुक बिहार में आज से पटना में मिलेगी, कल से आपके नजदीकी शहर में मिलेगी। मैथ का फाउंडेशन चलेगा मंडे से, मैथ का फाउंडेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया वो मंडे से चलेगा, और आज जो ग्रुप डी का मैथ है वो अभी से चलेगा। आईटीआई डीजल मैकेनिक वाले फिटर का कोर्स खरीदेंगे। इलेक्ट्रिशियन की बुक आज फाइनल हो जाएगी तो कल तक छपने जाएगी, वो इस सप्ताह में फाइनल हो जाना चाहिए। पढ़ो चलाओ, तेरा पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है वो हम बता देंगे सर कब होना है। आईटीआई की बुक भी बहुत जल्द आ जाएगी, रांची वांची में बुक अवेलेबल मिलेगा सर। पटना अगर आप आते हैं सर और आपको एग्जाम एग्जाम है और रहने में कहीं दिक्कत होता तो सीधे मेरे ऑफिस आना है, हम रहने खाने का इंतजाम कर देंगे। ऑफलाइन अभी नहीं खुल रही है, जब खुलेगी तो हम सर बता देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगले क्लास में। एनटीपीसी 7th फेज के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, जब सर आ जाएगा डेट तो सबके सामने होगा, अभी कोई चर्चा नहीं है कोविड को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। और जिनका भी सर ALP या GD वगैरह का बैच है या ITI ट्रेड का बैच है वो मंडे से चलेगा सारा बैच। थैंक यू वेरी मच।